हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। एंड आज हम देखेंगे दो एडिटोरियल्स को। पहला फूड के साथ रिलेटेड है, FCI के साथ रिलेटेड है, और दूसरा पेंडेमिक को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, तो वो देखेंगे। तो हम स्टार्ट करके हमारे पहले एडिटोरियल से, तो आपको बता दूँ, हमने पिछले कुछ दिनों में हमने फूड सिक्योरिटी के बारे डिस्कस किया था। तो ऊपर जो आई आइकन आ रहा है आप उस पर क्लिक कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एडिटोरियल से। तो ये बात करें FCA की, तो FCA का क्या काम है इस आज के कोरोना कोरोना वायरस में। एंड हम पहले FCA के बारे जान लेते हैं, FCA कब बना था। तो FCA वॉज सेटअप इन 1965, ये याद रख लेना। उसके बाद इट वॉज सेटअप अंडर FCA एक्ट 1964, ये यहाँ पर मैंने लोगो शेयर किया हुआ। तो इट इज़ अ स्टेटरी बॉडी दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। तो उसके बाद मैं बता दूं FCA शुरू क्यों किया था। तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो PL480 स्कीम थी USA की, वो फूड ग्रेन्स पहुंचाती थी 1960 से पहले, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले। तो PL480 वो पहुंचाती थी इंडिया में फूड ग्रेन्स, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया। तो वियतनाम वॉर में हमने कुछ ऐसी बात कर दी जिससे USA नाराज़ हो गया एंड दे स्टार्टेड ह्यूमिलेटिंग अस। तो फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन, उस टाइम इंदिरा गांधी थी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन लिया 1966 में। एंड फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लाया गया 1965 में, तो उन्हीं दिनों की बात है 1960s की। एंड उसके बाद इसमें क्या था कि इसका काम क्या था कि फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है, इंक्रीज करना, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का काम। तो उसके बाद FCA का काम क्या था, टू एक्वायर एंड सिक्योर फूड ग्रेन्स, ठीक है, जो भी फार्मर्स उगाते थे उनको अपने पास लेना, जैसे हम कहते हैं प्रोक्यूर, वो कर लेना। एंड उसे गुदाउंस में, सिलियोन्स में उसे रख लेना, ठीक है। तो उसका ये काम था। फिर उसके बाद क्या, FCA ने फिर सोचा PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको दिया जाए वीट ग्रेन्स या कम रेटों में, जैसे हम कह सकते हैं 3 kg पर वीट दिया जाता है उनको। एंड राइस की बात करें, 2 kg पर राइस दिया था, तो हम सॉरी 2 rupees per kg दिया था, एंड वीट 3 rupees per kg दिया था। तो ये काम था FCA का। बट FCA जब कुछ सालों बाद, जैसे 1970s की बात करूँ, 1980s की बात करूँ, तो हुआ क्या था कि वहाँ पर कंप्लेंट्स आने लगी थी कि ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, फूड को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उस वक्त फूड ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मात्रा में आ गए थे। एंड जो कई एविडेंस कह रहे हैं, या कोई कह रहा हूँ कि जो सीनियर्स थे, तो उन्होंने कहा था कि जो ये फूड ग्रेन्स हैं ये ख़राब हो रहे हैं अंदर पड़े पड़े गोदाम के, एंड जो रैट्स हैं वो इनको खा रहे हैं, इनको कीड़े लग रहे हैं सीड्स को। इवन कि जो FCA के चेयरमैन थे, उनकी उनकी ये स्टेटमेंट आ गई थी कि वो एक्चुअली मेन प्रॉब्लम रैट्स नहीं है, जो मेन प्रॉब्लम है वो है ह्यूमन रैट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लिखा हुआ था, प्रॉब्लम विद ह्यूमन रैट्स एज वेल, क्योंकि वहाँ पर करप्शन इतना ज़्यादा हो गया था। इवन जो 1990s तक FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कहने लगा था फूड करप्शन ऑफ इंडिया, तो आप सोच सकते हैं मतलब किस हद तक करप्शन होने लगी थी इसके अंदर। तो आप जैसे आप अलग मार्केट से अलग मार्केट में बेच रहे हैं, तो मतलब इस तरह की करप्शन शुरू हो गई थी। तो फिर क्या हुआ कि अब अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, जो मेन मुद्दा है कि FCA को इस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड बिकॉज हो क्या रहा है, कोरोना वायरस में कई जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी जॉब वो ख़त्म हो रही है, छूट रही है उनकी जॉब। एंड अब गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही, या उनके पास पैसा कहाँ से आएगा कि अब हर माइग्रेंट वर्कर को खाना पहुँचाएं। तो अब FCA का काम बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कह लो कि अब उनको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर हम बात करें कि लॉकडाउन से पहले, ठीक है ना, तो ये थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ, बिफोर द लॉकडाउन मैनी एक्सपर्ट्स हैव ऑब्जर्व दैट अराउंड 77 million tons ऑफ ग्रेन्स जो गोदाम में पड़ा है वो ऐसे ही पड़ा, मतलब ज़्यादा है ये, ठीक है ना। एंड FCA को पहले क्या था कि लॉकडाउन से पहले उनको प्रॉब्लम थी कि स्टोरेज करें कैसे, ठीक है ना। एंड उसके बाद चलो कोरोना वायरस फैल गया, एंड अब FCA का काम किया कि वो माइग्रेंट वर्कर्स तक पहुंचाया जाए, ठीक है ना। एंड 13 अप्रैल 2020 को FCI मूव्ड, इवन FCI मूव्ड 3 million tons टू सम स्टेट्स, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड इवन नॉर्थ ईस्ट एरियाज तक उन्होंने पहुंचाया, ठीक है ना। एंड तो उन्होंने ये भी कह दिया कि आप सरकार को कह दिए कि आप हमसे लें, तो आप जैसे ओपन मार्केट स्केल स्कीम है, आप वहाँ पर ना जाएं, आप हमसे लें।
एंड उसके बाद जो राइटर है वो ये कहना चाह रहा है कि उन्होंने 5 पॉइंट्स बताए कि हम इन 5 पॉइंटों से कैसे ही और बेटर सिस्टम के साथ आगे आ सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं जो 5 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि जो फूड ग्रेन्स हैं, जो खाना है, जो अनाज है, वो कहाँ पहुँचाया जाए, मतलब कैसे पहुँचाया जाए। मेन मुद्दा ये है कि गरीबों तक हम कैसे पहुँचाएं। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, रेल, ठीक है ना। तो रेल के माध्यम से FCI हेल्प ले सकती है, ठीक है ना, कोलैबोरेट कर सकती है इंडियन रेलवे से, एंड ताकि जैसे बिहार, यूपी जैसे रीजन्स में फूड ग्रेन्स वहाँ पर पहुँचाया जा सके। और जहाँ पर रेल नहीं काम कर रही वहाँ पर क्या हो, वहाँ पर रोड बाय रोड सिस्टम उन तक पहुँचाया जाए, मतलब किसी भी तरीके से रिमोट एरियाज हैं उन तक पहुँचाया जाए किसी भी तरीके से। क्या है कि मतलब अगर हम बात करें जैसे रिमोट एरियाज जहाँ पर ट्रेन नहीं चलती, जहाँ पर बस नहीं चलती, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना सही नहीं है, वहाँ पर भी एक प्रॉपर सिस्टम के साथ आगे आएँ एंड वहाँ पर भी जो फूड सप्लाई है उसको रेगुलर रखें। एंड दूसरा बात क्या कि हॉटस्पॉट बना दें। हॉटस्पॉट बनाने का मतलब क्या है कि सपोज अगर हम बात करें माइग्रेंट वर्कर्स कहाँ से जाते हैं, जैसे यूपी, बिहार, पटना, इन स्टेट से ज़्यादा हमारे पास माइग्रेंट वर्कर्स आए थे। तो करना क्या है, जिस जिस एरिया में जहाँ पर वो रह रहे हैं उनको एज अ हॉटस्पॉट माना जाए, ठीक है ना। तो उन हॉटस्पॉट के आसपास एक एज अ यू नो एज अ गोदाम बना दें जहाँ पर वो अपना मटेरियल सेव कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में उनको कमी ना हो, कोई शॉर्टेज ना हो, ठीक है ना, किसी फूड सप्लाई को लेकर। तो वो हॉटस्पॉट्स पहले बनाएं, मतलब ये ना हो कि अगर सपोज हमको बाद में खबर मिल रही है कि इन ग्रुप्स को नहीं मिला तो फिर दूसरे एरिया से फिर से ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ ना हो, पहले पूरा सिस्टम बने, हॉटस्पॉट तैयार हो जहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स ज़्यादा मात्रा पर रह रहे हैं, तो उनके जैसे 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर के दायरे में फूड सप्लाई कर देना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड, तो थर्ड की क्या है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो जो हुआ था उसमें बात की गई है, तो उसको देखते हैं हम। एक्चुअली क्या कि प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण पैकेज में क्या है कि इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अनाउंस्ड बाय निर्मला सीतारमन, एंड ये हाल ही में एक पैकेज है जो कोविड के मरीजों सॉरी कोविड के विक्टिम्स हैं या फिर कोविड से जो माइग्रेंट वर्कर्स को दिक्कतें आई हैं तो उनके लिए है, ताकि जो उनको खाना मिल सके एंड सुविधा मिल सके। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि सामान दे रहे हैं, ठीक है ना, कैश दे रहे हैं, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उनको, ठीक है ना, पुअर वुमेन्स हैं या फिर सीनियर सिटीजन्स हैं या फार्मर्स हैं। तो उसके बाद मेन बात क्या थी कि ये एक प्रॉपर फंडिंग मटेरियल था सेंटर का एंड स्टेट का, ठीक है ना। तो सेंट्रल फंडिंग था, ये सिस्टम था। बट राइटर इसमें ये कहना चाह रहा है हमारे थर्ड पॉइंट में कि आप स्टेट के ऊपर डिपेंड मत हो, ये सारा खर्चा सेंटर उठाए। सेंटर क्यों उठाए, क्योंकि अगर सेंटर नहीं उठाएगी, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, जैसे पंजाब की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यू नो खाता पूरा नहीं हो रहा, ठीक है ना, पैसे नहीं मिल रहे, हम पेंशन नहीं दे पा रहे, इवन कि यू नो स्टेट्स को उनको क्या कहते हैं GST फंड नहीं मिला है कुछ महीनों से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई, तो उनको क्या करना चाहिए, स्टेट को एक तरफ रख के खुद सेंट्रली फंडिंग स्कीम ये लेकर आनी पड़ेगी सामने। एंड उसके बाद अगर हम बात करें हमारे फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जो मतलब हम जैसे जैसे हम प्रोक्यूर कर रहे हैं फार्मर से, वैसे वैसे उसको आगे सप्लाई करते जाएं, मतलब ये ना हो कि आप उसे स्टोर करने लग जाएं। मतलब सपोज हमारे पास दो फार्मर्स हैं, ठीक है ना, जैसे मतलब सपोज एक मैं हूँ एक आप हैं, तो अगर उन्होंने पहले मेरे से लिया तो उसको स्टोर मत करें, उसको साथ ही साथ देते रहें, उनको साथ के साथ सप्लाई करते रहें। रीज़न क्या है कि एक्चुअली क्या ये सिस्टम किस पर चलता है कि मतलब एक्सपायरी सिस्टम पे। तो एक्सपायरी सिस्टम वाली स्कीम क्या है कि जैसे जैसे अनाज पुराना होता जाता है फिर वो देते हैं, ताकि मतलब एक्सपायर ना हो। नया अनाज वो कभी नहीं मार्केट में निकालते, सबसे पहले वो बाद में निकाल लेंगे, जो उनको लगेगा कि ये हाँ ये खराब होने वाला है या फिर एक्सपायरी होने वाला है, तो उससे उसको पहले वो निकालते हैं। बट यहाँ पर कुछ टाइम के लिए हमको ऐसा सोचना पड़ेगा कि ऐसे ये स्कीम नहीं काम आएगी। जैसे जैसे हम फार्मर्स को प्रोक्यूर कर रहे हैं, उनसे एक्वायर कर रहे हैं फूड ग्रेन्स, वैसे वैसे उसको साथ के साथ मार्केट में सप्लाई करते जाएं, एज अ PDF सिस्टम को चलाते जाएं, ठीक है। एंड लास्ट जो है कि FCI को वर्क करना पड़ेगा नाफेड के साथ। अच्छा, नाफेड क्या है, तो इट इज़ अ नेशनल एग्रीकल्चर कॉपरेट मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये क्या, उनको इसके साथ में चलते तो
एक्चुअली नफेड भी आई थी इनके लिए, टी टू प्रोक्योर एंड ट्रांसपोर्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है ना, एंड पीडीएस। उसके बाद पीडीएस सिस्टम आया कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ताकि हम गरीबों को जो फूड ग्रेन्स वो सप्लाई कर सकें। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर हमको सोचने पड़ेंगी, एंड मतलब राइट फ्रॉम कि इनको ट्रांसपोर्टेशन के साथ एंड इसको प्रॉपर स्टोरेज के साथ हॉटस्पॉट बना के, एंड जो जिस जैसे जैसे हम प्रोक्योर कर रहे हैं वैसे वैसे इनको आगे मार्केट में सप्लाई करना, एंड प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना, जो स्टेट के ऊपर जो बोझ ना पड़े उसको सेंटर रिलीफ खुद हैंडल करे। तो ये सारी चीज़ें राइटर यहाँ पर लिखना चाहता है। एंड उसके बाद दो कंसर्न्स हम यहाँ पर देखेंगे। दो कंसर्न्स है किस लिए कि एक्चुअली है क्या कि अगर फूड सब्सिडी कॉस्ट इंक्रीज होगी यहाँ पर, ठीक है ना, फूड सब्सिडी कॉस्ट मतलब अगर गरीबों का हम ज़्यादा देखेंगे, मतलब उनको सब्सिडी ज़्यादा देंगे तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो इट विल गोना हेल्प फार्मर्स, ठीक है ना। मतलब जितना ज़्यादा हम गरीबों को सामान पहुँचाएंगे उतना ज़्यादा फार्मर्स का बेनिफिट होएगा, ये हमको सभी को सोचना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये दूसरी ये पहली प्रॉब्लम मतलब कंसर्न है कि मतलब इसका रिजल्ट ये निकलेगा। दूसरा कंसर्न क्या है, अगर FCI फ्री फूड ग्रेन्स देने लग जाती है लोगों को तो उसका क्या होगा, उससे एक नुकसान होगा, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना। अगर डिमांड कम होगी तो जो फार्मर्स है उनको उनका प्राइस नहीं मिल पाएगा। तो ये बिल्कुल मैं दोबारा समझा रहा हूँ क्या मैंने कहा। पहला कंसर्न तो ये है कि जैसे जैसे फूड सब्सिडी कॉस्ट इंक्रीज होएगा फार्मर्स को उतनी ज़्यादा मदद मिलेगी, फार्मर्स की पॉकेट उतनी ज़्यादा भरेगी। दूसरा कंसर्न क्या है, अगर FCI ऐसे ही फ्री फूड ग्रेन्स देते रही ज़्यादा समय तक या फिर परमानेंट समय तक, तो जो फार्मर्स हैं दे विल नॉट गेट देयर फेयर प्राइस। इवन कुछ समय में पहले जब कांग्रेस UPI सरकार थी तो झारखंड में क्या हुआ था कि उन्होंने पटिशन लिख के डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि जो अनाज वो सड़ रहा है वो यू नो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, एक्सेस में है, सरप्लस में है, जो सरप्लस में वो सड़ रहा है, आप क्यों ना उन गरीबों को ले दे दें, ऐसे ही दे दें, ठीक है ना, आप ऐसे ही बांध दें, फ्री में बांध दें। बट मनमोहन सिंह ने तभी ये पॉइंट लेके आया था कि अगर हम ऐसे फ्री में देते रहेंगे तो फार्मर्स को उनका फेयर प्राइस मिलेगा ही नहीं कभी, ठीक है ना। फार्मर्स के ऊपर पहले ही लोन बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स को देख के चलते हैं, हमारे पास ये दो मुद्दे सामने आते हैं, बट इनको भी हमको माइंड में रखना पड़ेगा कि कैसे चलाना है। बट फिर जो उसके बाद रिपोर्ट आई थी, शांता कुमार रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा था कि हम कुछ टाइम के लिए चला सकते हैं, हमेशा के लिए तो कुछ टाइम के लिए चला सकते हैं, जैसे ये अब पैंडेमिक चल रहा है, ये माहौल जो है हम इसमें चलाएं, एंड ताकि मतलब सभी का कल्याण हो। एंड इसमें सिर्फ इतना ही था। उसके बाद हम हमारे दूसरे एडिटोरियल में चलते हैं, अवे आउट ऑफ पैंडेमिक। बहुत ही सिंपल एडिटोरियल है, इसमें कुछ नहीं बताया, मैं उसको आपको ऊपर ऊपर से बताता हूँ इसके बारे में। एक्चुअली है क्या कि जो ये राइटर ये कहना चाहता है कि हम कैसे निकल सकते हैं बाहर। एक्चुअली क्या, हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट ऐसे कह लो इशू सामने हैं। अगर हम लॉकडाउन को रोकते हैं तो उससे हमें प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ क्राइसिस की आएगी, ठीक है ना, पोटेंशियल हेल्थ रिस्क रिस्क बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। अच्छा, अगर हम लॉकडाउन को कंटिन्यू रखते हैं उसका नुकसान क्या है कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस शो करता है, हेल्थ सॉरी फूड क्राइसिस शो करता है। तो इन अगर हम सामने भी देखें पीछे भी जाएं तो चारों तरफ हमें नुकसान नुकसान दिख रहा है, क्योंकि कहीं पोटेंशियल हेल्थ सर्विस के बारे में देखें तो कहीं इकोनॉमिक्स क्राइसिस के देखें या फिर फूड क्राइसिस की तरफ देखें। तो इस चीज़ से हम निकलने के लिए क्या कर सकते हैं, तो दैट इज़ आर ओन सेफ्टी, ठीक है ना। तो ये राइटर यही कहना चाहता है इसके अंदर कि एक्चुअली है क्या, वैक्सीन को बनने में अभी काफ़ी समय लग जाएगा। अब पूछे कितना समय लग जाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ 3-4 मंथ और लग सकते हैं। इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अभी लीड कर रही है तो कह रहे हैं 80% तक तैयार कर चुके हैं वैक्सीन को, बट उसके बाद मैंने कहा पेटेंट राइट्स को लेने के चक्कर होंगे, उसके बाद खुद अपने अपने जो उनके होते हैं राइट्स उनको मतलब क्लियर करते करते हमको 3-4 मंथ और लग जाएंगे जब हमारे पास वैक्सीन आएगा। तब तक हम क्या करेंगे, मेन क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। इसको सोचने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ, हमारे पास ये है कि हम प्रोड्यूस करें जो पीपीज हैं, ठीक है ना, हम उनको प्रोड्यूस करें, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं या टेस्ट किट्स हैं, हम उनको ज़्यादा प्रोड्यूस करें। एक्चुअली हुआ क्या, अगर हम ग्राफ की तरफ देखें या दूसरी कंट्रीज की तरफ देखें, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया, प्रॉपर स्क्रीनिंग के साथ उन्होंने केस को ज़्यादा इंक्रीज होने ही नहीं दिया। चाइना की तरफ देखें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने
अपने सिस्टम को क्वारंटाइन सिस्टम को स्ट्रिक्ट कर इतना ज़्यादा उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है कि इंडिया केस रोक नहीं पा रही है। डेली अगर हम बात करें कुछ ना कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जैसे अमेरिका हो गया, न्यूयॉर्क, इटली जैसे स्पेन में हुआ, बट यहाँ पे इंडिया में क्या केसेस रोज़ थोड़े 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 आ रहे हैं और आ भी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम इनसे क्यों नहीं बच पा रहे हैं, एक्चुअली क्या कि हमको सोचना पड़ेगा दूसरी साइड, मतलब हमें जो पीपीज हैं, पर्सनल जो कहते हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं या टेस्ट किट्स, उसको बनाना पड़ेगा ज़्यादा मात्रा में ताकि हम बच सकें। एक्चुअली क्या कि वर्कर जो हमारे हैं, जो स्टाफ्स हैं, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है ना, तो उनको पहले बचाना चाहिए। उसके बाद जो ऐसे के लिए जो एसेंशियल मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स हैं उनको भी ये पहनाना पड़ेगा, तो ताकि जो जैसे सपोज अगर सपोज एक फैक्ट्री चलने लगी, ठीक है ना, सपोज लॉकडाउन जैसे ख़त्म हो गया आज, फैक्ट्री चलने लगी, एंड अब क्या है, जो अब जो माइग्रेंट वर्कर्स जो पहले छोड़ के गए थे वो अब वापस आ गए, अगर वो वैसे ही नॉर्मल जो ना सूट पे अगर काम करेंगे तो हो सकता है कि जो रिस्क और इंक्रीज हो, डिजीज़ और ज़्यादा फैले। तो हमको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि उनके लिए भी हमको पीपीज बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर कोई भी बड़े स्केल पे सपोज अगर हम मिल्क फैक्ट्री है या ब्रेड फैक्ट्री है या फिर कोई पैकेजिंग फैक्ट्री है जो चल रही है, जो बंद नहीं हो सकती, या ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, तो अगर वहाँ पर आप खोलना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप वर्कर्स जब आएँ उनको पीपीईज प्रॉपर एक पूरा पैकेज दें ताकि वो अपने आप को पूरा कवर कर पाएँ एंड अपना काम कर सकें। बिकॉज अगर ये नहीं हुआ, अगर ऐसे ही चलता रहा, तो देखिए लॉकडाउन तो आज ख़त्म हो ही जाएगा, आज नहीं तो 17 को ख़त्म हो जाएगा, तो बहुत कम चांसेस हैं उसके आगे बढ़न। तो हमको सिर्फ एक ही जो उपाय जो यहाँ पर दिखता है, दैट इज़ पीपीज या टेस्ट किट्स ज़्यादा बनाएंगी। तो अगर जैसे सरकार ज़्यादा बनाती रहेंगी एंड उससे क्या आएगा कि एटलीस्ट हम इस चीज़ को रोक पाएंगे। तो जैसे हम इंग्लिश में कोट आता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम इसे प्रिवेंट तो कर सकते हैं। इससे एक और फ़ायदा हो जाएगा, क्या फ़ायदा हो जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। आप पीपी बड़े स्केल पे, छोटे स्केल पे बनाना शुरू करें, इससे क्या आप एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो इससे बस इतना ही था, एंड आई होप आपको समझ आ गया हो दोनों आर्टिकल क्या कहना चाहते हैं, एंड मेन मतलब यही होता है ताकि आप अपने मेंस में लिख सकें, एंड इसमें कुछ क्रैप करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पॉइंट्स पता होने चाहिए कि मतलब वहाँ पर हम लिखना कैसे है, ठीक है ना। तो मतलब सभी के आइडियाज़ को कलेबोरेट करके उसको क्रक्स निकाल के ताकि आप अपनी शीट भर सके। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही था, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो।